साझा मंच कांग्रेस का एक ऐसा राजनीतिक मंच है जिसे हर जगह प्रदेश में भरपूर समर्थन मिला, जिसका कारण भी है। कारण है प्रदेश की राजनीति के बेताज बादशाह रहे वीरभद्र सिंह की सांसद पत्नी का बतौर अध्यक्ष बनकर कार्यक्रम का हिस्सा बनना, खासकर वीरभद्र समर्थकों को जुटाने के लिए। दूसरा, नेता विपक्ष का प्रतिभा को साथ, मतलब मुकेश अग्निहोत्री। तो तीसरा, प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही कांग्रेस को दे दिया। साझा मंच पूरे प्रदेश में भाजपा के पसीने निकाल रहा है, लेकिन हमीरपुर जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार का कार्यक्रम कल पूरे प्रदेश में चर्चित हो गया। प्रतिभा सिंह को रोड शो के लिए ट्राले में खड़ा कर दिया गया। हालांकि प्रतिभा सिंह सहित सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पैदल चलने के हिमायती थे, लेकिन जिला कांग्रेस ने ट्राला खड़ा कर नई चर्चा को प्रदेश में जन्म दे दिया है। इसके बाद ट्राले में विधायक इंद्रदत्त लखनपाल को खड़े होने की जगह नहीं मिली, तो टाउन हॉल की खाली कुर्सियां भी जिला कांग्रेस कमेटी को निशाने पर लेने के लिए काफी थी। हालात कुछ ऐसे भी बने कि नेता जिला अध्यक्ष से ये तक पूछने लगे कि क्या खाली कुर्सियों को भाषण देने के लिए बुलाया गया है। प्रतिभा सिंह ने हमीरपुर जिला कांग्रेस कमेटी को भाषण से पहले भी और खाना खाते समय भी खूब लताड़ लगाई, तो सुक्खू ने भी मामले को गंभीरता से लिया। पूरे प्रदेश में चल रही साझा मंच की रैलियों में ये पहला मौका था जब रैली को फ्लॉप शो कहा गया है। कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा भी स्थिति को भांप कर चुप बैठे रहे, लेकिन साथ बैठे कांग्रेसियों से रैली के स्तर पर चर्चा जरूर कर रहे थे। कार्यक्रम संदेह के घेरे में इसीलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि इससे पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा स्वागत हमीरपुर में हुआ था, जिसकी कामयाबी भी चर्चा में काफी दिन तक रही, यहां तक कि दिल्ली तक इसकी चर्चा हुई। सुखविंदर सिंह सुक्खू का अपने जिले में पहला इतना बड़ा स्वागत था। उसके बाद राजेंद्र राणा का कार्यक्रम हुआ, जिसके लिए लोग घरों से निकले और राजेंद्र राणा भी कामयाब रहे थे। लेकिन कल ऐसा क्या हुआ कि कार्यक्रम में इतने बड़े दिग्गज नेताओं की मौजूदगी के बावजूद भी कार्यक्रम फ्लॉप शो साबित हुआ। इस बात की चर्चा भी सत्ता के गलियारों में खूब है कि जिला कांग्रेस कमेटी भीड़ जुटाने में सफल क्यों नहीं हुई और टिकट लेने वाले चेहरों ने भी भीड़ जुटाने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई। फिलहाल हमीरपुर में राजनीति गरमाई हुई है और फ्लॉप शो का राजनीतिक मतलब क्या है, इस पर चर्चा कांग्रेस के भीतर और बाहर जारी है। हमीरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के भविष्य को लेकर चिंता के बादल अब उमड़ने लगे हैं। हमीरपुर जिला कांग्रेस की इस हालत ने हमीरपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश की कांग्रेस को चिंता में डाल दिया है।